हेलो बच्चों, आज हम हिंदी मेधा का पाठ 4-3 पगभूमि पढ़ेंगे। हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। पृथ्वी लोक का स्वामी बनने के बाद वह इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगे। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण भेजा। भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज्य न छीन ले। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना लिया और राजा बलि की नगरी के समीप आ गए। राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगरी के आसपास रहने वाला कोई भी मनुष्य यहाँ आए बिना न रह सके। राजा के आदमी वामन का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ आने से इनकार कर दिया। जब यह खबर राजा बलि के पास पहुँची तो उन्होंने स्वयं जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूँगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो। इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और वे बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। राजा बलि का वचन पाकर वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि 2 ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। यह देखकर राजा बलि घबरा गए और थर थर कांपने लगे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित ही महान व्यक्ति है। उन्होंने वामन रूपी भगवान विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पर वामन रूपी भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया और उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उनको पाताल का राजा बना दिया।